सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ ने अपनी सोल पावर से बेबे को फायर जीतने में मदद की थी, जिस वजह से उसकी सोल पावर खत्म हो गई और वो बेहोश हो गया था। बेबे में युआओ की सोल पावर को बढ़ाने के लिए उसे ज्वांशी पिल खिलाई थी। फिर अब हम युआओ को देखते हैं, वो शांति से सो रहा था। ज्वांशी पिल की वजह से उसकी बॉडी से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, जिस वजह से उसकी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। वो स्मेल दूसरे स्टूडेंट्स के रूम तक पहुंच गई थी, जिस वजह से उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ स्टूडेंट्स अपने रूम की विंडो और डोर्स को बंद कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर युआओ उड़ जाता है। उसे रूम में वांग डोंग नहीं मिलता, इससे वो काफी हैरान होता है। युआओ को भी अपनी बॉडी से गंदी स्मेल आने लगती है। वह जल्दी से बाहर जाकर नहाता है और अपनी बॉडी की गंदगी को साफ करता है। इतनी देर में सुबह हो जाती है। युआओ तैयार होकर कार्डिएशन करने लगता है। वह सोचता है कि मेरी बॉडी की मेरिडियंस इतनी अच्छी कैसे हो गई। पहले जो मेरी डियन पतली और कमजोर थी, अब वो मोटी और ताकतवर हो गई है। मेरी पर्पल डीमन आई भी सटल यानी सूक्ष्म रियल्म में पहुंच गई है। क्या सिर्फ रात को सोने की वजह से मेरी सारी चीजें अपग्रेड हो गई। वांग डोंग वहां आता है। वो रूम को स्मेल करके देखता है, कहीं वो गंदी स्मेल अभी तक तो नहीं आ रही। युआओ पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है और मुझ में से इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही थी। आज अचानक से मेरा कार्डिएशन बेस भी काफी इम्प्रूव हो गया। वांग डोंग बताता है कि ये सब ज्वांशी पिल की वजह से हुआ है, जो सीनियर बेबे ने तुम्हें खिलाई थी। ज्वांशी पिल एक एक्सपेंसिव एलिक्सर यानी अमृत है, जो मेरो को साफ करता है और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के तुम्हारी सोल पावर को बढ़ाती है। लेकिन जब पिल अपना काम करना शुरू करती है तो तुम्हारी बॉडी की सारी गंदगी को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्किन पर उस गंदगी की एक लेयर जम जाती है। इसी वजह से तुम्हारी बॉडी से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। इससे तुम्हारी तो सोल पावर बढ़ गई, पर मुझे पूरी रात बाहर रुकना पड़ा, इसीलिए अब तुम्हें मुझे नाश्ता करवाना होगा। युआओ कहता है कि मैं तुम्हें इतना खाना खिलाऊंगा कि तुम एक पिग बन जाओगे। इससे वांग डोंग को काफी गुस्सा आता है, पर युआओ उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। युआओ अपने फिश कार्ड से वो कॉइन ले लेता है जिसे संशी ने उस पर अटैक किया था। दोनों साइकिल लेकर सीगोड आइलैंड पर जाते हैं। उस जगह को देखकर वांग डोंग खुश होता है। युआओ कहता है कि शायद इस पोसेडियन लेक के दूसरी तरफ इनर कोर्टयार्ड है। सीनियर बेबे इतने पावरफुल है, फिर भी वो आउटर कोर्टयार्ड में पढ़ते हैं, तो इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी उन्हें लेक के ऊपर कोई दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो इनर कोर्टयार्ड की स्टूडेंट थी, उसका नाम मा शियाओ ताओ था। युआओ अपनी पर्पल डीमन आई की मदद से उसे देखता है। वांग डोंग कहता है कि सीनियर बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अपनी मार्शल सोल का यूज किए बिना लेक पर दौड़ रही है। शियाओ ताओ तेजी से उनकी तरफ आ रही थी, उसकी वजह से लेक का पानी गर्म होकर उबलने लगता है। युआओ वांग डोंग के साथ वहाँ से भागने लगता है। शियाओ ताओ उन पर एक अटैक करती है, पर वो उस अटैक से बच जाते हैं और उनके चारों तरफ आग लग जाती है। वांग डोंग अपने बटरफ्लाई फेदर्स को एक्टिवेट कर लेता है। वो युआओ को उठाकर वहाँ से उड़ने लगता है, लेकिन शियाओ ताओ अटैक करती है जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। शियाओ ताओ फिर से उन पर अटैक करती है जिससे वांग डोंग बेहोश हो जाता है और युआओ दूर जाकर गिरता है, जिससे स्काई ड्रीम को भी थोड़ी चोट आती है। स्काई ड्रीम कहती है कि तुमने मेरे चुने हुए इंसान पर अटैक करके मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। स्काई ड्रीम युआओ को अपनी पावर देती है जिससे हर तरफ बर्फ जम जाती है। शियाओ ताओ आगे बढ़ने लगती है तो युआओ अपनी एक उंगली से उस पर अटैक करता है। उससे बचने के लिए शियाओ ताओ हवा में उड़ने लगती है, लेकिन स्काई ड्रीम की आइस पावर काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिस वजह से शियाओ ताओ अपनी फिनिक्स बर्ड के साथ आइस में फ्रीज होकर लेक में गिर जाती है। यह देखकर युआओ बहुत खुश होता है। स्काई ड्रीम सोचती है कि युआओ की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो गई है, जिस वजह से पहली सील पावर अनलॉक हो गई, अब मैं उसे अपनी और ज्यादा पावर दे सकती हूँ। तभी स्काई ड्रीम को एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, तो वो अपनी पावर से युआओ को बेहोश कर देती है, जिससे वो सारी बर्फ भी पिघल जाती है। श्रेक स्कूल के डीन यान शाओजे इनर कोर्टयार्ड के मेंबर्स के साथ वहाँ आते हैं। उन्हें वहाँ युआओ और वांग डोंग बेहोश मिलते हैं। डीन यान युआओ की पल्स चेक करते हैं। वो एल्डर जुआंग से कहते हैं कि इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है, ये बस बेहोश हुए हैं, आप इनका इलाज कीजिए। दूसरे मेंबर्स शियाओ ताओ को ढूंढने लगते हैं। एल्डर जुआंग अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हैं। उनके पास चार ब्लैक रिंग्स, दो पर्पल रिंग्स और दो येलो रिंग्स थी। ब्लैक रिंग 10,000 साल पुराने सोल बिस्ट की होती है, पर्पल रिंग 1,000 साल पुराने सोल बिस्ट की होती है और येलो रिंग 100 साल पुराने सोल बिस्ट की होती है। एल्डर जुआंग अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं, जिससे हर तरफ हरियाली हो जाती है, जिसकी वजह से जले हुए पेड़ों में दोबारा पत्तियां आ जाती है। पेड़ों की एनर्जी
जाओ और वांग डोंग की बॉडी में जो होने लगती है। एल्डर जुआंग डिन यहाँ से कहते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को जल्दी होश आ जाएगा। तभी एक मेंबर शियाओ ताओ को लेके अंदर लेकर जाती है। डिन यान अपने पावर से उसे चेक करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि शियाओ ताओ ने अपनी कॉन्शियसनेस को बराबर रखा, वरना आज यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। डिन यान एल्डर जुआंग से कहते हैं कि आप इन दोनों बच्चों को संभाल लेना। ये कहकर डिन यान दोनों मेंबर्स के साथ शियाओ ताओ को लेकर वहाँ से इनर कोर्टयार्ड में चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद सारे पेड़ों की पत्तियां फिर से जड़ जाती है। युआ अपने कॉन्शियस स्पेस में पहुंच जाता है। वो स्काई ड्रीम से पूछता है कि क्या अभी तुमने ही मेरी जान बचाने के लिए ये सब किया था। स्काई ड्रीम कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, वरना अभी तुम जलकर राख बन जाते। उस लड़की के पास डिवाइन बीस्ट फिनिक्स ब्लड बारबेरियन का फास्ट एट्रीब्यूट था। अगर उसके पास फिनिक्स की पावर नहीं होती तो मैं उसे अपनी एक ही उंगली से मार देती। अब तुम्हारी फिजिकल क्वालिटी काफी बढ़ गई है। मैंने तुम्हारी बॉडी में जो पावर सील छोड़ी थी उनमें से पहली सील ओपन हो गई है। इससे युवाओं खुश होता है। स्काई ड्रीम कहती है कि मैंने अभी बस अपनी ओरिजिनल पावर का यूज किया। तुम्हारी बॉडी को अभी शोक यानी सदमा लगा है। अब कम से कम मैं एक साल तक तुम्हें अपनी पावर नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए तुम्हें फ्यूचर में संभल कर रहना होगा। तुम्हारी ट्रेनिंग करना मैं सोने जा रही हूँ। स्काई ड्रीम सोने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम इनर कोर्टयार्ड में जियाओ ताओ को देखते हैं। वो बेहोश पड़ी हुई थी। उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आती है जिसमें वो युवाओं और वांग डोंग पर अटैक कर रही थी, लेकिन युवाओं ने स्काई ड्रीम की आइस पावर से उसे फ्रीज कर दिया था। अचानक जियाओ ताओ घबराते हुए उड़ जाती है। डिन यान भी वहाँ खड़े थे। जियाओ ताओ कहती है कि यह काफी अजीब बात है, अब मुझे गर्मी नहीं लग रही। डिन यान कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अपनी बॉडी में डेमोनिक फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। जियाओ ताओ कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि यह प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। डिन यान कहते हैं कि अभी तुम्हारी वजह से आउटर कोर्टयार्ड के दो स्टूडेंट मरने वाले थे। यह सुनकर जियाओ ताओ को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने सोचा कि मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन यह बहुत ज्यादा बढ़ गया। डिन यान कहते हैं कि जितना ज्यादा तुम अपने पावर को दबाओगी वो उतनी ज्यादा पावरफुल होकर इरप्ट होगी। जियाओ ताओ पूछती है कि किस पावर ने मेरी फिनिक्स इविल फायर को दबाया। डिन यान कहते हैं कि वो एक एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट है और उसकी प्योरिटी तुम्हारी फिनिक्स इविल फायर से बहुत ज्यादा है। जियाओ ताओ कहती है कि लेकिन श्रेक स्कूल में किसी के भी पास एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट मार्शल सोल नहीं है, क्या कोई दूसरा इंसान स्कूल में घुस आया है। डिन यान कहते हैं कि पहले मुझे लग रहा था कि वो साइस एट्रीब्यूट मार्शल सोल वाले को किसी फैमिली ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए भेजा होगा, लेकिन जांच के बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह टैंक सेट का स्पेशल स्टूडेंट है। वो अनाथ है और ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं है। वांग डोंग का बैकग्राउंड काफी अच्छा है, लेकिन उसकी फैमिली में से कोई भी आइस एट्रीब्यूट में अच्छा नहीं है। फिर हम युवाओं और वांग डोंग को देखते हैं। उन दोनों को होश आ गया था। एल्डर जुआंग कहते हैं कि सासे के लिए हमें माफ कर देना और प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। एल्डर जुआंग उन दोनों को दो बॉक्स देकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बॉक्स को खोलते हैं, उसके अंदर शेनगुन पिल थी। युवाओं को उस पिल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वांग डोंग उसे बताता है कि शेनगुन पिल जुआंशी पिल की तरह एक एलिक्सर है। एल्डर ने हमें बहुत अच्छी चीज दी है, हम किसी को इस सासे के बारे में नहीं बताएंगे। दोनों वहाँ से अपने रूम की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें टेंगया मिलती है। वो युवाओं से कहती है कि मैंने तुम्हें अमीर बनाने का रास्ता ढूंढ लिया है और फिक्र मत करना, आज कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। टेंगया युवाओं को एक बॉक्स देकर कहती है कि बेबे ने यह तुम्हारे लिए भेजा है। उस बॉक्स में जुआंशी पिल थी। उसे देखकर वांग डोंग चौंक जाता है। वो सोचता है कि सीनियर बेबे कितने अच्छे हैं। उन्होंने युवाओं को एक और पिल दे दी। वांग डोंग टेंगया से पूछता है कि आपने मेरे टैंक सेट को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा, क्या मैं सेक्ट ज्वाइन कर सकता हूँ। टेंगया को बेबे की बात याद आती है। उसने कहा था कि हम वांग डोंग का टेस्ट ले सकते हैं कि वो टैंक सेट के लायक है या नहीं। टेंगया वांग डोंग से कहती है कि अगर तुम फ्रेशमैन एवेल्यूएशन असेसमेंट में फर्स्ट आए तो मैं तुम्हें टैंक सेट में ले लूंगी। यह सुनकर वांग डोंग खुश होता है। वांग डोंग युवाओं से कहता है कि आज मैं सबसे पहले तुमसे ग्रिल्ड फिश खरीदूंगा। यह सुनकर वो युवाओं को एक कॉइन दे देता है। तीनों फिश कार्ट के पास जाते हैं। वहाँ संशी पहले से ही खड़ा था। उसे देखकर युवाओं घबरा जाता है। टेंगया संशी के पास जाती है। वो कहती है कि क्या तुम फिर से युवाओं को परेशान करने के लिए यहाँ आए हो, अगर ऐसी बात है तो इस बारे में मैं तुमसे फाइट करूंगी। संशी कहता है कि फालतू की बातें मत करो, मैं बस ग्रिल्ड फिश खाने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं लाइन में भी लगा हुआ हूँ। संशी युवाओं से अच्छे से बात करता है जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। संशी फिश लेकर जियांग के पास जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए युवाओं की बनाई हुई ग्रिल्ड फिश लेकर आया हूँ। मैंने
इस बार उसे परेशान भी नहीं किया। मैं लाइन में लगकर ये फिश लेकर आया, लेकिन जियांग फिश लेने से मना कर देती है। संशी कहता है कि मैं हमेशा लोगों को परेशान नहीं करता हूँ। युआओ ने तुम्हें फिश देने से मना कर दिया था और तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जियांग कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी बार कह दिया है, आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग है, इसीलिए मुझे परेशान करना बंद कर दो और अब मेरे लिए किसी दूसरे स्टूडेंट को भी परेशान मत करना। ये कहकर जियांग वहाँ से चली जाती है। इससे संशी को बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप को लूजर कहता है। वो गुस्से से फिश खाने लगता है और उसे फिश का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इससे वो खुश हो जाता है। रात को युआओ और वांग डोंग अपने रूम में आ जाते हैं। वांग डोंग कहता है कि शेन गुई पीर सोल पावर को बढ़ाने का काम करती है और सोल मास्टर को अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही शेन गुई पील मिलती है, क्योंकि यह बहुत महंगी होती है। इस पील को खाने से आप दूसरे लेवल पर अपग्रेड हो जाते हैं। जैसे कोई 30 लेवल पर है तो वो सीधा 31 लेवल पर चला जाएगा, लेकिन ज्यादा पील खाने से हमें फ्यूचर में अपने कल्टिवेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर युवाओं चौंक जाता है, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना काफी हार्ड होता है। दोनों शेन गुई पील खाकर कल्टिवेशन करने लगते हैं। अगले दिन युवाओं क्लास में भी मन लगाकर पढ़ाई करता है और अकेला ही अपने फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग करने लगता है। वो रात में ग्रिल्ड फिश बेचकर अपना काम पूरा कर लेता है और उसके बाद आयरन सूट पहनकर दौड़ता है। रात में भले ही बारिश क्यों ना हो रही हो, वो फिर भी अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करता है। ये देखकर मिसिस जो और फेनियो को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन क्लास में मिसिस जो कहती है कि स्कूल शुरू होने के बाद से ये तुम सबका पहला एवोल्यूशन है, इसीलिए 3 स्टूडेंट्स की एक टीम होगी। हर टीम में अटैक सिस्टम सोल मास्टर होंगे। फर्स्ट ईयर में टोटल 300 टीम्स होगी, मगर सिर्फ 150 टीम्स ही स्कूल में रह सकेगी। असेसमेंट के बाद सारे स्टूडेंट्स को उनकी योग्यताओं के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। सारे स्टूडेंट फॉर्म में अपनी कल्टिवेशन डायरेक्शन लिखकर मुझे दे दो। युआओ फॉर्म में 3 कंट्रोल सिस्टम पर टिक लगा देता है और वांग डोंग भी उसका फॉर्म देखकर 3 कंट्रोल सिस्टम पर टिक लगा देता है। जियो जियो नाम की लड़की वांग डोंग का फॉर्म देखकर 3 कंट्रोल सिस्टम पर टिक लगा देती है। सारे स्टूडेंट फॉर्म जमा कर देते हैं। युआओ, वांग डोंग और जियो जियो का फॉर्म देखकर मिसिस जो काफी हैरान होती है। वो उन तीनों को क्लास में रोक लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।